ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स। तो गाइस आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मिट्टी की वीडियो और लेके आओ। तो गाइस आज जो मैं मिट्टी की वीडियो लाई हूँ, आज मैं बताऊँगी आपको। कई लोगों ने पूछा था कि मिट्टी खाने की इच्छा क्यों होती है, हम क्यों मिट्टी खाते हैं। कुछ लोग इस आदत को छोड़ भी नहीं पा रहे और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को देख के मिट्टी खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उसमें घरेलू उपाय बताए थे कि आप किस तरीके से मिट्टी खाना छोड़ सकते हो और मिट्टी खाने से क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मिट्टी को खाना कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पर वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां जाके सर्च कर सकते हो। तो गाइस आपको अगर मिट्टी खाने की आदत है तो आप भी उन वीडियो को देखिए जाके और अपनी आदत से मतलब छुटकारा पाइए, क्योंकि मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं होती है। मिट्टी खाने से क्या फ़ायदा होगा बताइए आप, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कितने कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मुझे तो मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, मैं नहीं छोड़ सकती। तो आपको छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़ोगे, अपने मन को पक्का करिए। कोई भी आदत को लगने में 21 दिन लगते हैं और अगर आप किसी आदत को छोड़ोगे तो भी 21 दिन ही लगेंगे। अगर आपने 21 दिन अपने मन को पक्का कर लिया तो डेफिनेटली आप छोड़ पाओगे मिट्टी खाना। वैसे भी मिट्टी भी आसानी घरेलू उपाय जो मैंने बताया है वो काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसंद भी आया है और मिट्टी खाना उन्होंने छोड़ भी दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि मिट्टी खाने की इच्छा क्यों होती है। गाइस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, तभी दुर्गाक्षी मेकओवर्स की वीडियो आप देख पाओगे सबसे पहले। जब सही और संतुलित खान पान नहीं हो पाता है तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और कुपोषण की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों में ये आदत देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर में आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी मिट्टी खाने की तलब होने लगती है। तभी महिलाएं भी मिट्टी खाती हैं, बच्चे भी मिट्टी खाते हैं। तो प्रायः छोटे या बड़े दोनों में आदत इसकी वजह से मिट्टी खाने की देखी जाती है। और किसी को भी मिट्टी खाने का जी क्यों करता है, बच्चों में शारीरिक विकास बच्चों में अधिक होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है और जिस बच्चे में कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है वे बच्चे इसका इसको पूरा करने के लिए मिट्टी खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मिट्टी से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, जो कि नहीं होती है, और अधिकतर बच्चे मिट्टी का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान रखना होगा, बच्चों को अच्छे से सही पोषण दो ताकि वो मिट्टी खाना छोड़ें, और बड़े भी अपना ध्यान रखें, वो तो समझदार हैं, मिट्टी खाना छोड़ सकते हैं। मार्केट में भी खाने वाली मिट्टी आने लग गई है, आप देख सकते हो ये खाने वाली मिट्टी है, तो लोग ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, खाते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मिट्टी खाना छोड़ दें। हम बात कर रहे थे कि मिट्टी खाने की इच्छा क्यों होती है, तो डॉक्टरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो जिन लोगों का मन चौक या मिट्टी खाने को करता है तो उनके शरीर में खून की कमी होती है। ये क्यों होता है, ये होता है एनीमिया बीमारी के कारण। तो खून की कमी की मुख्य वजह जो होती है वो है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी, जो कि आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी करने वाली चीज़ें खाइए, या फॉलिक एसिड हो उसमें ज़्यादा, ऐसी चीज़ें खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाइए। आपका मन करता है अगर मिट्टी खाने को तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, तो उससे भी आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही बताने वाली थी मैं, और जितने भी मिट्टी की वीडियो पर कमेंट्स आते हैं सब कहते हैं कि मिट्टी खाना अच्छी बात है, तो मैं कहूँगी मिट्टी खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप आज से ही मिट्टी खाना छोड़ दें। कोई मिट्टी के दिए खाता है, कोई मुल्तानी मिट्टी खाता है। तो मिलती हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।